बिहार से आई खबर से, जहां पर सहरसा में तेजस्वी के कार्यक्रम में हंगामा हुआ। कार्यकर्ता ने एक दूसरे पर कुर्सियां तक चलाई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए तेजस्वी यादव वहां पर गए हुए थे। तो आरजेडी के मौजूदा वक्त के मुखिया तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में कुछ इस तरीके से हंगामा हुआ कि कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। हालांकि खबरें ऐसी हैं कि जिस वक्त हंगामा शुरू हुआ, कार्यकर्ताओं ने बहस और मुबाहसे के बाद में एक दूसरे से झड़प शुरू कर दी, एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिया और यह हंगामा चलता रहा। और इस हंगामे के चलते कई लोग घायल भी हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस बीच में वहां पर उन्हें शांत कराने के लिए पुलिस ने बीच बचाव कराया और पुलिस ने लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की, मामला शांत कराने की कोशिश की। एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए तेजस्वी यादव वहां पर गए हुए थे, लोगों की भीड़ थी, मगर अचानक कार्यकर्ता आपस में ही उलझ पड़े। चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए तेजस्वी यादव वहां पर गए हुए थे और तभी यह हंगामा शुरू हो गया। हालांकि ये तस्वीरें जो कि आपके सामने इस वक्त हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि कैसे एक दूसरे के ऊपर लोग लात घुसे और कुर्सियां चला रहे हैं। बीच में पुलिस आती है, मामला शांत कराने की कोशिश करती है, मगर आखिर वजह क्या हुई कि अचानक कार्यकर्ता आपस में ही उलझ पड़े। ये तस्वीरें देखिए जिसमें कुर्सियां बिखरी पड़ी हैं, एक दूसरे के ऊपर लोग इस तरीके से हंगामा करते देखिए। और तेजस्वी यादव स्टेज पर वहां पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। R9 TV पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस चुनावी जनसभा की, जहां पर RJD के मुखिया पहुंचे हुए थे और उन्हीं के सामने उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने आपस में उलझ करके कुछ इस तरीके का दृश्य पेश किया है। हालांकि इस हंगामे की असल वजह क्या रही, फिलहाल अब तक साफ नहीं है।